हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाइब्रिड एजुकेशन। आज हम डिस्कशन करने को जाऊे सोशल साइंस रो किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आसुवा नवम श्रेणी हाफ ईयरली एग्जाम पे इम्पोर्टेंट हो पाए। चलो स्टार्ट करिबा। एक नंबर, आग्नेय उद्गीरण द्वारा क्यों रोग बढ़िवार संभावना अधिक? ऑप्शन ए श्वास रोग। दुई नंबर, डैश इक्वल टू विपत्ति गुणन सुभेद्यता बाय गोष्ठीर मुकाबिला करिवार दक्षता। ऑप्शन बी शंका। तीन नंबर, उपद्वीपीय नदी मानक मध्य केउटीर दैर्घ्य सबुठार अधिक? ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदीर दैर्घ्य केते किमी? ऑप्शन डी 1450 किमी। केउटा उपह्रद नुहे? पाँच नंबर ए चिलिकाटी उपह्रद नुहे, सॉरी अंशुपाटी। ऑप्शन ए अंशुपाटी एक उपह्रद नुहे। छ नंबर, ओडिशार सबुठारु बड़ नदी केउटा? ऑप्शन सी महानदी। सुवर्णरेखा नदीर दैर्घ्य केते किमी? ऑप्शन बी 433 किमी। केउ हृदर दैर्घ्य 5 किमी ओ प्रस्थ 2 किमी? ऑप्शन ए अंशुपा। नौ नंबर, ओडिशार सीमारेखा लगि नथिबा राज्य केउटा? ऑप्शन डी मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश ओडिशार कौन सीमार लगिनि? दस नंबर, क्यों स्थल भागर तीन पटे समुद्र घेरी रही थे कौन कहा जाए? ऑप्शन बी द्वीप। एगार नंबर, पृथ्वीर सर्वोच्च श्रृंग केउटा? ऑप्शन सी एवरेस्ट। बार नंबर, भारतर सर्वोच्च पर्वत श्रृंग केउटा? ऑप्शन ए कांचनजंगा। तेर नंबर, केउटा शैल निवास नुहे? ऑप्शन डी जलपाईगुड़ी। हरियाणा राजधानी नाम कौन? ऑप्शन बी चंडीगढ़। पंद्रह नंबर, गैंगटॉक क्यों राज्य राजधानी? सिक्किम राजधानी गैंगटॉक। ऑप्शन डी। षोल नंबर, आम देश में केबे ठारु उदारीकरण नीति को प्रोत्साहन दि जाइछि? ऑप्शन बी 1991 मसीह। केउटा तृतीय क्षेत्र? ऑप्शन ए परिवहन टी तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन ए। अठर नंबर, क्यूबा रे क्यों अर्थव्यवस्था प्रचलित? ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित। बैंक रे क्यों जमा खाता रे किछि सुध मिल नथाय? ऑप्शन सी संचय जमा खाता रे। कोड़ी आरटीजीएस रे थरे को सर्वनिम्न केते टंका देनदेन होइथाय? ऑप्शन बी सर्वनिम्न 2 लाख टंका। 2 लाख रु अधिक को आरटीजीएस कहंती एवं 2 लाख तलक को एनएफटी कहंती।
NEFT। 21 नंबर भारत में क्यों संस्था सरकार तरफ मुद्रा प्रचलन कर ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। बाईस नंबर केउंटी व्यक्ति वास्ता संस्था ठारु अर्थ ने एक निर्दिष्ट समय पर मूल सह शुद्ध अर्थ फेरस्त करने प्रक्रिया को कौन कहा जाए ऑप्शन डी ऋण। प्रत ओडिशा रेखांगित मानचित्र रे चिन्हट स्थान और अंचल गुड़िक अनुध्यान कर परवर्त तीनो प्रश्न 23-25 रो उत्तर दि। ऑप्शन आई जो चिन्हट एक अच्छी आई चिन्हट स्थान टी भारत सबुठ बड़ लुणी ह्रद जहाँकि ओडिशार अवस्थित जहाँ हूँ चिल्का ऑप्शन सी। डबल आई चिन्हट स्थान एक जलप्रपात अवस्थित। चौबीस नंबर ऑप्शन डी डुडुमा जलप्रपात। ट्रिपल आई ऑप्शन चिन्हट स्थानी क्यों जिलार सदर महकुमा ऑप्शन ए कंधमाल सदर महकुमा। एवं चल 25 क्वेश्चन भूगोल अर्थनीति सारी जाइए जल्दी जल्दी आम क्वेश्चन करवा सबू चल आरंभ कर इतिहास और राजनीति विज्ञान। 26 नंबर रक्ताक्त रविवार क्यों विप्लवर एक घटना ऑप्शन ए पुरुष विप्लवर एक घटना। 1910 मसीह कोरिया कहार एक उपनिवेश थिला ऑप्शन सी जापान रो उपनिवेश थिला। 28 नंबर कंगो केबे एक स्वाधीन राष्ट्र भाव गठित हला ऑप्शन डी 1885 मसीह। 29 नंबर 1871 मे 10 तारीख रे क्यों शांति चुक्ति स्वाक्षरित होता ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट। 30 नंबर रूसिया सम्राट को छाड़ी आउ क्यों देश रे राजा को जार कहा जाउथिला ऑप्शन बी बुल्गेरिया रे बुल्गेरिया राजा को जार कहा जाउथिला। 31 साराजेवो हत्याकांड केबे संगठित होता ऑप्शन ए 1914 जून 28 रे। उड्रो विल्सन क्यों देश राष्ट्रपति थिले 22 नंबर ऑप्शन सी अमेरिका राष्ट्रपति थिले। 33 नंबर लोभोरोभो नामक दार्शनिकों लेखा क्यों देश उपरे गभीर प्रभाव पकाई थिला ऑप्शन डी रूस उपरे गभीर प्रभाव पकाई थिला। 1901 मसीह रे क्यों माने सामाजिक विप्लव दल गठन करथिले ऑप्शन बी भूमिहीन कृषक माने। 1903 क्यों अनुष्ठान मुख्य कार्यालय नेदरलैंड हेग शहर अवस्थित ऑप्शन ए जातिसंघर आंतर्जातिक न्यायालय। 1906 नेदरलैंड हेज रे अवस्थित। 36 नंबर जेल रे थिला बेले किए मोर संघर्ष नामक एक पुस्तक रचना करते
ऑप्शन सी हिटलर। କେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଅପସନ୍ ସି ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧିର କଠୋରତା। ଗୋଲ୍ କୋଷ୍ଠରେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଡ ୱାକମେ ଅନ୍ କ୍ରୁମା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 39 ମରସ୍କୋ ଓ ଟ୍ୟୁନିସିଆ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ? 39 ଅପସନ୍ ସି 1956 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି 1957କୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଭାଗ କର ଧାରା 51 କରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 51 ଏ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଭାଗରେ? ଧାରା 36କୁ ଧାରା 51 ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 43 ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏଇଟା ହଉ। ଅପସନ୍ ସି ଉଦାରବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଟେ। 44 ନମ୍ବର କେତେ ମସିହାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ମାନବାଧିକାରକୁ ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲା? ଅପସନ୍ ଡି 1966। ମାନବାଧିକାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଡି 3 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଡି 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 47 ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେ ଉକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ 65। ବିପିଏଲ୍ ହୋଇନଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଟଙ୍କାର କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଡି 20 ଟଙ୍କା ଲଗାଏ। ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିପାରିବେ? କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ? 250 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ, 250 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଜରିମାନା କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ? 10 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏତେ ସହିତ ଆମର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କିଛି ଲସ୍ ନ ହଉ ଏବଂ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନ ଲଗେଇ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।